प्रणाम बस सबका के। अभी एक घटना सामने आ रहा बा कि बहुत ही होनहार गायक गोलू राजा के एगो कार्यक्रम के दौरान गोली लग गई। हम काले से उनका प्रणाम बस सबका के। अभी एक घटना सामने आ रहा बा कि बहुत ही होनहार गायक गोलू राजा के एगो कार्यक्रम के दौरान गोली लग गई। हम काले से हुनका के दो तीन बेरी फोन ट्राई कैनी बट फोन लागत नहीं के स्विच ऑफ बतावा था। तो हमरा पता चलल कि वो बनारस में एडमिट बढ़े, तो हम अपना बड़का भैया के जोन अभी बनारस में बढ़े ना उनका फिर भेजनी और कहनी कि जाके देख लो कोनो दिक्कत ना हो के बनारस में बढ़ा लोग। तो बड़का भैया गए भी रहन, वो अभी उनका हालत में सुधार बा, वो ठीक बढ़न। एकरा आगे के बात ई बा, हम जौन कहे खातिर वह सबके सामने आयल बनी कि एगो गायक जौन केहू के द्वार पर जाला चाहे कोनो मंच पर जाला, वो कोनो घर के बहुत दुलारा लड़का होला, कोनो माई के बेटा होला, कोनो बाप के आँख के तारा होला, तो ऐसन कार्यक्रम के दौरान ऐसन मजाक उचित नहीं खे और ई सब बहुत गलत बात बा कि कार्यक्रम केहू गावता केहू कौनो कलाकार होके या वो गायक होके या डांसर होके केहू के भी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ ना होके के चाहिए। और हम सरकार से अनुरोध करब कि जितना भी ये टाइप के कार्यक्रम होला जोन प्रोग्राम होला एमे जोन भी असलहा हथियार सब पर पाबंदी लगावे, ताकि जो ये तो कार्यक्रम प्रोग्राम एगो मनोरंजन खाती होला तो सीधा तौर पर खाली मनोरंजन हो सके। ये सब उचित नहीं है केहू के भी जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ कर। अब ये तो जांच के विषय बा कि वो गोली संजोग बस लाग गई या फिर जानबूझ के मारल गई, लेकिन अगर ये जड़ के ही ख़त्म कर देवल जाओ कि कार्यक्रम में प्रोग्राम में असलहा हथियार अलाउ ही ना कर जाओ, इन सब चीजों से निजात मिल सकेला। तो आगे से इस सब बात के ध्यान रखे के हुई और हम सरकार से गुजारिश करब, उत्तर प्रदेश सरकार बिहार सरकार कहीं से भी जहाँ पे कुल कार्यक्रम होता या फिर एक ऐसा कार्यक्रम के अनुमति जे भी जिलाधिकारी के पास जाए, तो जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन बा कि वहाँ के क्लियर कर लें कि रुआ प्रोग्राम में असलहा के ना यूज हो, वो जा केहू असलहा लेके ना जाए, तो ये बहुत उचित रही कहे से कि मनोरंजन खाती प्रोग्राम होला और सिर्फ और सिर्फ फिर मनोरंजन हुई क्योंकि जिंदगी के साथे खिलवाड़ के लिए ठीक नहीं के। और भाई गोलू राजा खातिर हम माई से प्रार्थना करब कि जल्दी से जल्दी उनका के स्वस्थ करस और हमने सब भोजपुरिया लोग के एक से सीख लेवे के चाहिए कि आगे से ऐसे कुल ऐसा कुल प्रोग्राम में हथियार असलहा के प्रयोग ना कर जाओ। जय हिंद, जय भोजपुरी।